नमस्कार, फूडी कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं स्वीट। उपवास के लिए जब भी हमारा स्वीट खाने का मन हो तो हम ये साबूदाने की खीर बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने किचन की तरफ और बनाते हैं साबूदाना खीर। चलिए, खीर बनाने के लिए मैंने एक कटोरी साबूदाना लिया है जो मैंने रात को भिगो के रखा था। अब हम इसमें थोड़ा अपनी पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट और आधी कटोरी शक्कर ऐड कर रहे हैं। शक्कर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं आपके हिसाब से। अब हम इसमें 1 से 2 ग्लास पानी डालकर हम इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं गैस के ऊपर। साबूदाने की खीर धीरे धीरे पक रही है। अच्छी तरह से हमें इसको चलाते हुए पकाना है। हमें अच्छी तरह से पका लेना है। अब अपनी खीर गाढ़ी हो गई है तो मैं उसमें 1 ग्लास भर के दूध ऐड कर रही हूँ। दूध को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है खीर में और उसको एक बॉईल आने तक फिर से पका लेना है। आप देख सकते हैं कि अपना साबूदाना पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया है, यानी कि अच्छी तरह से पक गया है। अपनी खीर को एक उबाल आ गया है और अपनी खीर खाने के लिए रेडी हो गई है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। यह खीर गर्मा गर्म खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसको गर्मा गर्म खाइए। उपवास के लिए मीठी स्वादिष्ट ऐसी साबूदाना खीर तैयार है खाने के लिए। ये रेसिपी अपनी रसोई में ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।